कोरोना की दूसरी लहर के बीच पूर्णिया के 150 थैलेसीमिया पीड़ित नौनिहाल की जिंदगी रक्त के अभाव में डगमगाने लगी थी। रक्त की कमी से लड़ रहे पूर्णिया जिला का स्वास्थ्य विभाग इन बच्चों को सहयोग करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में थैलेसीमिया मरीज को समर्पित प्रेस क्लब पूर्णिया के 62 सदस्यों ने रक्तदान कर इन मरीजों की जिंदगी बचाई। लगभग 30 की संख्या में आए ये पूर्णिया जिले के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे और उनके परिजन, जिन्हें कोरोना काल में रक्त नहीं मिल पाया, अस्पताल और रेडक्रॉस ने इन्हें सहयोग नहीं किया क्योंकि इनके पास कोरोना काल में रक्तदान करने वाले लोग नहीं थे, या यूं कहें कि पूरा जिला रक्त की कमी से जंग लड़ रहा था। लेकिन नौनिहालों के परिजनों को जब पता चला इनको समर्पित कर प्रेस क्लब पूर्णिया ने रक्त संग्रह किया है, तो अपने बच्चों के साथ दौड़े चले आए। इनके चेहरे पर रक्त मिल पाने की खुशी देखी जा सकती है। रक्तदान कर रही संस्था प्रेस क्लब पूर्णिया के कोषाध्यक्ष पंकज नायक ने बताया कि कोरोना काल में कई थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मौत रक्त की कमी से हो गई थी। जिला के सिविल सर्जन और जिला पदाधिकारी ने सामाजिक संगठनों से रक्तदान करने की अपील की थी, लिहाजा अपनी जिम्मेवारी समझते हुए 62 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉक्टर एस के वर्मा ने कहा कि रक्त की जांच कराकर सभी पीड़ित बच्चों को 2 दिन के अंदर रक्त दे दिया जाएगा, साथ ही हर महीने रक्त संग्रह करने का आग्रह भी किया गया। कोरोना काल में कई तरह की समस्याओं से पहले से परेशान लोगों को अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की चिंता होने लगी थी। ऐसे में इन दानवीरों ने रक्त देकर बच्चों की अटकी सांसों को संजीवनी दी है, पर जरूरत है हर महीने इन बच्चों को रक्त मुहैया कराने की, ताकि इनकी जिंदगी निरंतर उड़ान भर सके। संवाददाता अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कि थैलेसीमिया पेशेंट को फ्री में ब्लड दिया जा रहा है और लोग सहयोग सब कर रहे हैं। अभी जो है 1 साल से हम लोग अपना ब्लड दे रहे हैं, यहाँ सरकारी द्वारा नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे रेड क्रॉस से हमको पता चला कि नहीं, सभी बच्चा को दिया जाएगा, सुविधा उपलब्ध है, तो हम लोग आने का प्रयास किए और हम लोग को दवाई जांच सभी होना चाहिए, तो बहुत खुश होगा मन। हमारा नाम पवन कुमार है। ये ब्लड तो आज जो यहाँ पे यानी हो रहा है कैंप, इससे हम लोग को तो ब्लड मिल ही जाएगी, लेकिन हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा एक आयरन चिलेशन की दवा मुहैया करवाया जाता है, जो 14/5 को यानी बिहार सरकार के द्वारा आ गया है यहाँ पे सीएस महोदय के कार्यालय में, राज्य स्वास्थ्य समिति को। लेकिन हम लोग को बार बार जाने के बाद भी सीएस सर इस बात को टाल रहे हैं कि अमुक दिन आपको मिल जाएगा, लेकिन जब भी जा रहे हैं तो यही यानी कि हमको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जिसके कारण हमारे बच्चे का जीवन यानी कि अधर में है, कभी भी उसका मृत्यु हो सकता है। हम लोग आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे, पहले न्यूज़पेपर में पढ़ करके थैलेसीमिया के बच्चे परेशानी में हैं और दर्जनों बच्चे की मौत भी हो चुकी थी, और पूर्णिया जिले में तकरीबन 150 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं। तो इसी पर संज्ञान लेकर के प्रेस क्लब और जो बाकी संगठन है पूर्णिया उसके माध्यम से हम लोग उस कैंप को लगाए थे। आज जैसे ही इन परिजनों को पता लगा कि ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है पूर्णिया में और ये लोग 2-3 महीने से परेशान थे, तो ब्लड डोनेशन कैंप के स्थल पर ही ये लोग पहुँच गए। अभी कोरोना के काल में यहाँ ब्लड की संख्या यूनिट ब्लड स्टोर में नहीं के बराबर थी या ख़त्म हो गया था, तो इसका पहल करके हमने इन लोगों से, स्वयंसेवी लोगों से ये ले रहे हैं। अभी आज के दिन करीब करीब 60 यूनिट ब्लड मिला है, कल भी हमको करीब 60 यूनिट ब्लड मिला था। इस ब्लड लेने के बाद इसका प्रोसेसिंग होता है, उसमें कुछ आवश्यक जांच होती है और जब वो सही पाया जाता है तब उसको स्टोर करके फिर जिनको ज़रूरत है उनको दिया जाता है।